कार में महिला से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। शादीशुदा महिला को पहले घर में दी पनाह, दोस्तों के साथ कार में ले जाकर किया दुष्कर्म। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी 7 न्यूज चैनल में। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप एमपी 7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए रतलाम की विशेष खबर। रतलाम के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला को आरोपी ने अपने दोस्त की कार में बैठाकर रतलाम खाचरोद रोड पर ले गया और सुनसान जगह पर कार रोककर महिला से दुष्कर्म किया। बड़ाइला 84 निवासी पीड़ित महिला शादीशुदा है और पति से विवाद होने के बाद रहने की जगह की तलाश में रतलाम के रहमत नगर निवासी अरबाज अख्तर के संपर्क में आई थी। आरोपी अरबाज ने इसका फायदा उठाते हुए उसे अपने ही घर पर रहने की जगह दे दी। आरोपी अरबाज ने 24 अगस्त की रात पीड़ित महिला को अपने दोस्त मोहित यादव की कार में बैठकर चलने को कहा और उसे रतलाम खाचरोद रोड पर ले गया। रास्ते में एक सुनसान स्थान पर ड्राइवर मोहित ने कार रोक दी और दोनों को कार में ही लॉक कर दिया। आरोपी अरबाज ने पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे रास्ते में ही छोड़कर वापस घर लौट आया। पीड़ित महिला की शिकायत पर स्टेशन रोड थाना पुलिस ने आरोपी अरबाज अख्तर और उसके सहयोगी मोहित यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीड़ित महिला बड़ाइला 84 गांव में अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन कुछ महीने पहले विवाद होने के बाद पति उसे छोड़कर मजदूरी करने कहीं और चला गया। रहने की जगह की तलाश में वह रतलाम पहुंची तो राजा भैया नाम के व्यक्ति ने उसे अरबाज अख्तर से मिलवाया। आरोपी अरबाज अख्तर ने उसे रहमत नगर स्थित अपने घर पर रहने की जगह दे दी। आरोपी अरबाज ने महिला की मदद करके उसका भरोसा जीत लिया, जिसके बाद वह अपने दोस्त के साथ योजना बनाकर पीड़ित महिला को कार में घुमाने ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी अरबाज अख्तर के विरुद्ध दुष्कर्म, धमकाने और SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। वही आरोपी मोहित यादव के विरुद्ध भी अपराध में सहयोग करने के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देखते रहिए हमारे साथ MP 7 न्यूज़।